हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। गर्मियों की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी है, आज 1 जुलाई है। सो गाइस, मैंने सोचा कि ना क्यों ना व्लॉग कर लिया जाए। और मैं वैसे रेगुलर व्लॉग ही डालती हूँ या फिर मैं कहीं बाहर जाती हूँ इस तरीके के, तो मैं रेगुलर व्लॉग्स नहीं डाल रही। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज रेगुलर व्लॉग कर लिए। तो गाइस, मैं इसको कंटिन्यू थोड़ा सा मेरे लिए ना इम्पॉसिबल टाइप है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि मुझे ना सच बताऊँ अपनी पर्सनल और ना थोड़ी फैमिली वगैरह को दिखाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद है नहीं। बट फिर भी कि जब जहाँ तक मेरे से हो पाएगा, जितना मैं दिखा पाऊँगी और उतना मैं दिखाऊँगी। और गाइस, आज है 1 जुलाई, तो आज के दिन की शुरुआत मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी, तो मैंने उठ करके जपमाला करी और फिर मैं नहाई धोई, मैंने पूजा करी, फिर अभी मैंने खाना बना करके रखा ही था, अभी खाया नहीं है। तो मैंने उससे पहले सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे एंड तक, शाम तक। और आई होप मैं डेली व्लॉग, मतलब जो व्लॉग है, ये कर पाऊँ कंटिन्यू। तो गाइज़, थोड़ा सा ना अजीब भी लगता है जब हम कैमरे के अंदर बोलते हैं ना, तो इतना ज़्यादा, मतलब अभी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्टअप हो रहा है, पर थोड़ा सा स्टिल ऐसी हेजिटेशन टाइप रहती है। बट कोई नहीं, वो हो जाएगा टाइम टू टाइम। तो गाइज, एनीवे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। रेगुलर मेरी ऐसी ही होती है सच बताऊँ तो, पर मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाती क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, थोड़ा हम जल्दी में होते हैं और क्या होता है, थोड़ा सा काम वगैरह करना होता है, तो इस वजह से ना, मतलब मैं शूट नहीं कर पाती। बट होपफुली अगर कभी फिर मैं ज़रूर शूट करूँगी कि सुबह मैं उठते ही क्या क्या करती हूँ, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बट एनीवेज गाइस, अब देखते हैं, मम्मा ने खाना लगा दिया है, तो खाना खाने के बाद फिर आज ना, वैसे हमारा प्लान था यहाँ पे घूमने जाने का, क्योंकि मेरी मौसी का लड़का आया हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि उसको कहीं घुमा लाते हैं। तो रेवाड़ी में ना ऐसी कोई जगह है नहीं घूमने लायक, थोड़ी बहुत ही है। तो एक यहाँ पे एक रेल म्यूज़ियम है, वो मैंने उसका व्लॉग मैंने पहले भी डाल रखा था, हाँ लोको शेड, तो उसका व्लॉग मैंने आपको मतलब पहले डाल रखा था। तो मैं सोच रही हूँ कि वहीं हम उसको ले जाते हैं घुमाने के लिए, काफ़ी अच्छी जगह है, पिकनिक टाइप हो जाएगा। बट अभी ना सुबह तो हमारा प्लान था, क्योंकि सुबह इतनी धूप नहीं थी, बट अब धूप आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं धूप आ चुकी है। तो थोड़ा सा ना वहाँ पे, क्योंकि आउटडोर है, गर्मी हो जाएगी, इस वजह से अभी देखते हैं, अगर थोड़ी धूप मिलती है फिर हम जाएंगे, और नहीं तो हम शाम को, क्या बोलते हैं, अगर शाम को हो जाएगा तो शाम को धूप नहीं होगी तो चले जाएंगे, क्योंकि 5 बजे तक ना आई थिंक बंद हो जाता है लोको शेड। फिर चलो देखते आगे क्या होता है। चलो इतने में खाना खा लेती हूँ। तो गाइस, मेरा खाना एकदम रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मम्मी ने बनाई है पनीर की भुर्जी, मलाई ऑल टाइम मेरी फेवरेट, और ये क्या बोलते हैं, आमी की चटनी, और ये 2 रोटी। तो गाइज़, अभी खाना वाना खा, गाइज़ मैं इतने खाना खा लेती हूँ, फिर उसके बाद का व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय गाइज़, हमने खाना खा लिया था और उसके बाद मैंने इसके क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे, कुछ थोड़े बहुत डायग्राम्स वगैरह, और अब ना ये पढ़ रहा है। और गाइज़, ये बच्चे फ़ोन चला रहे हैं अपना फालतू में, बस ये पूरे दिन फ़ोन चलाते रहते हैं। पता नहीं क्या छुट्टी पड़ी, क्या कोविड आया, पूरा हर कोई इतना फ़ोन में इतना एंगेज हो गया ना, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग मी, या तो गाइज अब बच चुका है 1, अब देखते हैं अब आगे। मौसम तो फिर भी अब अच्छा हो रहा है, बट मैं ना इनको जब ही ले जाऊंगी, जब ये पढ़ेगा, जब ये मुझे सुनाएगा, उसके बाद ही मैं इसको घुमाने लेके जाऊंगी। जब तक ये नहीं सुनाएगा, तब तक मैं इसको घुमाने के लिए नहीं लेके जाऊंगी, चाहे ये कभी भी सुनाए। ओके, सुन गई, सुना देगा ना? क्या, अरे सुना दूंगा पक्का। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गाइस, एक स्नेफी गई भाग भाग के बेचारी, अभी ना जैसे आपने देखा स्नेफी जा रही थी, वो पता है कि जा रही थी, वो भोग भाग के बेचारी अभी अपनी एनर्जी वेस्ट कर कुरा के जा रही थी, क्योंकि अभी ना शाम का टाइम हो रहा है चाय का, तो हम लोग ना चाय पी रहे हैं। गाइस, बदतमीज लोग हैं ये, बकवास हरकतें करते रहते हैं।
ओके तो गाइज मैं बता रही थी ना, स्नेफी जा रही थी क्योंकि ना हम चाय पी रहे थे और इसको ना हमसे इतनी बहस रहती है ना कि क्या खा रहे हैं, ये तो अंदर ही आ जाती है और ना अंदर आकर के ना हमारे पास जब तक हम उसको कुछ देते नहीं ना तब तक भौंकती रहेगी भौंकती रहेगी, पता नहीं बिल्कुल पागल हो जाती है ये। और इसको जब दे देंगे ना इसकी जगह पे जा करके फिर वो तो खाना इसका सिक्योर रहता ही रहता है, हमसे एक्स्ट्रा आकर के मांगेगी तुम क्या खा रहे हो तुम अपनी प्लेट में से दो। तो वो बेचारी भौंक भाग के फिर मम्मी इसको ले गई भिला फुसला के, हम थोड़ा बहुत तो दे देता क्योंकि ये मंदिर वाला कमरा है ना तो उसको थोड़ा सा गंदा कम करते हैं हम लोग। तो अभी हमने जैसे चाय नाश्ता कर लिया है और सो गए थे हम ना बीच में, सही बताऊँ तो क्या बोलते हैं बहुत अच्छी नींद आ गई थी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे तो फिर मैं तो सो गई थी बीच में। अब शाम कुछ कितने बजे 3:30 बज रहे ना, 3:30-4 हो रहे हैं पता नहीं, अभी देखते हैं कि लोको शेड खुला होगा नहीं होगा, ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा या फिर मैं किसी अपने दोस्त से पूछती हूँ जो आसपास रहता हो, तो मैं पूछती हूँ उससे कि खुला है या नहीं, अगर नहीं खुला होगा तो फिर। अरे हाँ अभी तो मेरी एक फ्रेंड भी आ रही है, हाँ गाइस अभी ना कल परसों थोड़ी मतलब ना कल परसों मेरी एक फ्रेंड के घर पे उसके भाई का कुआ भोजन था, मतलब उसके भाई के लड़का हुआ था तो उसका कुआ भोजन था, तो वो आज अभी आ रही है मिठाई वगैरह देने के लिए, तो उससे मिलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है, आगे हम जा पाते हैं नहीं जा पाते, मुझे थोड़ा सा ना 50-50 लग रहा है, देख लेंगे शाम को तक मोमोज खिला लाऊंगी। ओके गाइस मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो ये तो मेरी वीडियो को तुझे क्या हो गया? दीदी है दीदी मारूंगी थप्पड़। पहचाना नहीं क्या? उनको पसंद नहीं है इतना व्लॉग में आना, तो मैं क्या दिखाऊँ अपने घर में कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कोई आया ही नहीं, मैं ही बोलती रहूंगी, इसलिए मैं थोड़ा कम डेली व्लॉग करती हूँ मैं घर पे। अगर मैं कभी बाहर आने लग जाऊंगी जब मैं लाने की कोशिश करूँगी, मतलब जब मैं बनाने की कोशिश करूँगी, और इन लोगों पे मैं थोड़ा कन्विंस करती हूँ धीरे धीरे कि भाई आया करो लोगों में, बट देखते हैं। हेलो गाइस गाइस हेलो मतलब मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूं या फिर आपको वैसे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, मतलब
कि कपड़ों वाले ड्रेसेस वाले ड्रेसेस कपड़े ही होते हैं जैसे कि घूमने वाले ट्रैवल वाले फूड वाले वैसे लोग असले या डेली लोग का डेली करो बताना कमेंट करके जरूर बताना मुझे। Hey guys, we are back home. हम आ चुके हैं खा पी करके बढ़िया तरीके से थोड़ी बहुत घूम फिर के और अब मैंने अपने बाल वाल बांध दिए क्योंकि सबसे पहले आते ही साथ का काम मेरा यही होता है क्योंकि मुझे ओपन हेयर्स ना ज़्यादा पसंद नहीं है सुन की बात तो बस अब कितने बज गए कहीं 7:30 बज गए और ना आज वैसे हम डेली बाहर तो जाते नहीं हैं कभी कभार जाते हैं तो ऐसा हमारा काम होता है कि ना मतलब सुबह शाम पौधों को पानी देना चिड़िया के लिए आज हम पानी भरना और ये सब चीज़ करना तो आज हमारा वो चीज़ नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं शायद पापा ने कर दिया होगा। हाँ तो अब हम बस क्या करेंगे हम फटाफट से कपड़े चेंज करेंगे मैं कपड़े चेंज करूँगी फटाफट से ये भी करेगा और हम बस पूजा करेंगे पूजा करने के बाद फिर देखते हैं खाने का और ये देखो चिपक हुई उसको भी ब्लॉग लेते हैं आज बहन तू भी उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा यार गाइस ये ब्लॉग कर देना हाथ नहीं उठता गया मेरे तो ना बहुत दुखी लग गया मुझे आदत नहीं है ना पर एनीवेज कोई नहीं मैनेज करेंगे हम आपको इतना तो कर ही सकते ना है ना प्यारे हो आप हमारे और गाइस प्लीज सपोर्ट करो सब्सक्राइबर बढ़वा दो यार लाइक वाइक कर दिया करो जो कुछ अच्छा लगे ना लगे कमेंट करके बता दिया करो हमसे। ओके गाइस हम आ गए अपनी असली वेशभूषा के अंदर अपने घर के कपड़ों के अंदर वही सड़े गले से कपड़े और ये देखो पूजा भी हो चुकी है वो मैंने नहीं करी पापा ने कर दिया गाइस ये ना मेरे घर का इतना अच्छा स्पेस लगता है ना मुझे मतलब मेरा मंदिर मतलब मैं क्या बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैं यहाँ पर घंटों खड़े रह सकती हूँ मतलब पता नहीं क्यों मतलब अलग ही वाइब आती है देख रहे हो यहाँ पे और जो वो कान्हा जी की मूर्ति है ना सॉरी फोटो है जो सबसे वाली यू वाली फोटो तो मतलब मेरी इतनी फेवरेट है ना मुझे ऐसा लगता है कि ना सच में ये मुझसे बात करते हैं इस फोटो में से पता नहीं क्यों और ऐसे ड्रामे पास लड़का फिर आ चुका है पंखा मचलो पूजा हो रही है और ये देखो ये मैं ये टॉपी वाली हूँ मैं ये मेरा भाई कौन क्यूट लग रहा है दम दम से कमेंट अप करके बताना ये मेरे मम्मी पापा समझ नहीं आता यार डेली व्लॉग में ना मैं क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ थोड़ा सजेस्ट करो कि कुछ चैलेंजेस करे या फिर थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करो कि क्या करें क्या ना करें क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा है आप लोगों को लग रहा है या नहीं लग रहा मुझे नहीं पता बट प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको यही सब अच्छा लग रहा है या फिर मैं कुछ और नया ट्राई करूँ ओके तो अब देखते हैं कि आज खाने में क्या बन रहा है गाइस क्या बन रहा है आलू सोयाबीन की बड़ी उसको क्या बोलते हैं और आलू बड़ी न्यूट्रेला मुझे ना सोसोस लगता है मुझे मतलब पसंद भी है नहीं भी है देखते हैं अच्छा होता है कैसा बनता है बनता तो अच्छा ही है पागल हो गया हमारे घर की रैवली आ चुकी है सबसे बड़ी रैवली देखो हमारी ये रही इसका नाम है रैवली रैवली थी सब मंची का और यार व्लॉग देखेगी कहेगी दीदी क्या डाल रहे हो आप लोग से थैला मजदूर की नहीं लग रही दिहाड़ी पे जाते जैसे शाम को वर्कर से वर्कर तब ना टिफिन लेके आ रहे हैं टिफिन जेर रैपली आ चुकी है और गई से चिपक ली है ना जैसे ही मैं आती ना वैसे भाग लगती हूँ उसको पता है कि मैं इसको भगा दूंगी भगाया क्यों उसकी दोस्त मुझे देख रही है उसकी दोस्त मुझे देख रही है ऐसे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और ये अलग हो जाती हैं गाइस तो कल ना मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं आज संडे भी है तो आज हम लोग आए हुए हैं इस्कॉन सेंटर भिवाड़ी के में जैसा कि आप देख सकते हैं तो अभी मैंने भगवत क्लासेस ली है अभी हमारा भोग प्रसाद है तो मैं दिखाती हूँ आज आपको क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पर होता है तो आप लोग भी आ सकते हैं गाइस जो देखो यहाँ पर भोग प्रसाद ले गए अब हम अब मैं अपनी ना प्लेट ढूंढने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे सारा काम खुद ही करना होता है
कैसे आ रहा धो रहा है अपनी प्लेट यहाँ पे ना, मतलब पब्लिकली ना थोड़ा सा धीरे बोलना होता है। थैंक्स। इधर देख। तो गाइस बेसिकली ना ये व्लॉग बनाने का मतलब ये है कि मतलब एक तो ये था कि मैं आपको डेली रूटीन दिखा रही थी और कल ऐसा कुछ था नहीं कि सच में आपको दिखाऊं जो मतलब रोज चलता रहता है वही। मैंने सोचा दो दिन का एक कंटिन्यू कर लेते हैं, तो आज संडे था तो मैंने सोचा आज क्या बोलते हैं, मैंने सुबह से व्लॉग तो करा नहीं, मैंने सोचा कि शाम को कर लेते क्योंकि शाम को ही हम लोग बाहर आते हैं और संगीत रन सब चीज़ करते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो गाइज बने रहना लास्ट तक वीडियो के अंदर, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। गाइज एक चीज़ और, अगर आप लोगों में से भी किसी को आना है यहाँ पे तो एवरी संडे और सैटरडे आप लोग आ सकते हैं। एवरी संडे यहाँ पे 2 to 4 भगवत क्लासेस होती है एंड 4 to 6 भी भगवत क्लासेस होती है। 6 o'clock यहाँ पे भोग प्रसाद होता है, फिर उसके बाद हम लोग आरती करते हैं, आरती करने के बाद हम लोग संकीर्तन करते हैं। तो गाइज एवरी संडे आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान के बारे में जान सकते हैं। और आपकी कोई भी क्यूरीज है ना, पता है यहाँ पे आने का एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि वैसे हम अगर जागरण में जाते कीर्तन जाते बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ पर सिर्फ हम नाम लेते हैं, यहाँ पर आकर के हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि हम एग्जैक्टली हमें करना क्या है, क्या चीज़ होती है, हम अपने सारे डाउट्स और जो भी सारी चीज़ें ना वो हम अपनी क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, मुझे यहाँ से जुड़े हुए कम से कम लाइक 2-3 महीने हो चुके हैं और मैं मतलब अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे भगवान ने सही रास्ता दिखाया, सही राह दिखाई और मैं अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन से और इन सब चीज़ों से जुड़ी हूँ, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। तो गाइस मैं भी ये चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा लोग जुड़े और जितना आप लोग मतलब आए यहाँ पे और अपनी फैमिलीज़ को भी लेके आ सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स को भी लेके आ सकते हैं, तो ये भी अब क्या बोलते हैं आया हुआ था यहाँ पे तो मैं इसको भी लेके आती हूँ, तो अभी कल वैसे चला जाएगा बट मिस करोगे ना आप? बहुत मिस करूँगा। सो गाइज चलो यही बताना था मुझे और तो क्या, फिर अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या कंटिन्यू करते हैं आगे के व्लॉग। ओके महाकाल का सेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।